सलाम, नमस्ते, हेलो, केम छो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस पर। मेरे भाई, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ 6 बजे के स्पेशल क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व विरासत स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जो यूनेस्को चुनती है। हमारे देश में 38 हैं। कल तो हम लोगों ने पूरी दुनिया में भी कुछ महत्वपूर्ण पढ़े थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आज, लेकिन कल जो है कुछ बच्चों ने ये कहा, सर इसमें डिटेल जानकारी जो है कहीं मिसिंग है कि यूनेस्को ने कब चुना इसे। जैसे भारत वाले तो ये पूछता है ना, ये मंदिर है तो कहाँ स्थित है, इसे किसने बनवाया, किसने तुड़वाया, क्या है उसकी खास बात, इस सब चीज़ों को लेकर के उन्होंने पूछा। ठीक है, क्लियर है। तो ये उनकी बात मुझे बड़ी जेन्युइन लगी कि भाई डिटेल में तो पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो फिर मैंने कंटेंट टीम का सहारा न लेके फिर मैंने खुद कल इसको कुछ क्वेश्चन को फिर से रिवाइज किया है। तबीयत नहीं सही होने की वजह से पूरा नहीं हो पाया है, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, लेकिन जो है आपको बेहतरीन जानकारी आज मैं दूंगा। शेयर भी नहीं कर पाया हूं मैं, बस आ गया हूं आप लोग को पढ़ाने के लिए। तो जितने लोग हैं मेरे रेगुलर छात्र, इस बार शेयर कर दीजिएगा आप लोग, चाहे फेसबुक पे, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप लोग शेयर कर देना। ठीक है, ठीक है, अभी तो सब लोग ठीक ही हैं। मेरे घर तो थोड़ा सा माइल्ड वाला है, लेकिन मम्मी पापा को जो दिक्कत है, क्योंकि उनकी उम्र समय है ना 70 साल की अवस्था है, तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, बस वही डर लगा है, बस और कुछ नहीं। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है मेरे भाई, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे यूनेस्को ही चुनता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है भाई वो है डी वाला, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। भारत की तरफ से जो प्रतिनिधि है वो कौन है, विशाल वी शर्मा है। यहाँ पे विशाल वी शर्मा जो है भारत की तरफ से प्रतिनिधि है। 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है दोस्तों, जिसमें से 30 जो है वो कृत्रिम है, जो इंसानों ने बनाई है। 7 जो है वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, जैसे कि नेशनल पार्क, काजीरंगा, मानस, केवला देव, और 1 जो है वो मिक्स्ड है, मिश्रित है, जो कंचनजंगा वाला है, सिक्किम वाला, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये 38 ये है दोस्तों। इसमें 2 शहर भी हैं, ग्वालियर ओरछा नहीं है, अहमदाबाद और जयपुर है। अगर देखा तो 4 अमूर्त भी हैं दोस्तों, जैसे जो है अमूर्त मतलब इंटेंजिबल, जो हमेशा परमानेंट नहीं है, जैसे कुंभ का मेला 4 जगह होता है, तो ये अमूर्त वाले को देख लिया जाए तो 42 हो जाएंगे। तो ये इसकी स्थिति है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। अब दोस्तों अगला प्रश्न, कुछ डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि अगला प्रश्न उसी पर है। यूनेस्को के हेड कौन है, यूनेस्को के हेड कौन है मेरे भाई, ये आपको बताना है। मैन मेड, बिल्कुल, यूनेस्को के हेड कौन है। ऑड्रे अजोले जो है यूनेस्को के हेड है, तेड्रोस अधानॉम ये WHO के हेड है। तो यूनेस्को के हेड कौन है, ऑड्रे अजोले। ये संस्था कब आई थी, यूनेस्को की संस्था कब आई थी दोस्तों, तो याद रखिएगा 16 नवंबर 1945 को आई थी, ये आई थी, है ना, 75 साल इसके भी हो गए। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। क्लियर है, यस 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 यस, ये सबके लिए है, ये स्टडी जीके क्लास है, ये सबके लिए। अब इसके बाद दोस्तों प्रश्न पे आ जाते हैं, भीमबेटका का रॉक शेल्टर जो है ये किस राज्य में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका का रॉक शेल्टर, रॉक से शेल्टर बनाया गया, आजकल एस्बेस्टस से बना देते हो, पहले रॉक से बनाया जाता था ये शेल्टर,
अब ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका का, आप देख रहे हैं ये सब रॉक है, ये सब रॉक है, और किस तरीके से यहाँ शेल्टर बनाया गया है। यहाँ एक आदमी भी मुझे दिख रहा है जो पुतले के रूप में है, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, एक बार सभी लोग क्या करेंगे, शेयर कर देंगे मेरे भाई, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन रह गए थे वो क्या है कि यूनेस्को द्वारा इसे कब चुना गया, तो यूनेस्को द्वारा इसे 2003 में चुना गया। कब चुना गया है, 2003 में चुना गया है। भीमबेटका का रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश राज्य में मध्य भारतीय पठार के दक्षिणी किनारे पर विंध्य पर्वत की तलहटी में है, विंध्य पर्वत की तलहटी में है। अगला प्रश्न दोस्तों ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों ले कार्बूशियर की वास्तुकला ये तो चंडीगढ़ में है, जंतर मंतर नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है, काजीरंगा आसाम में है, मानस भी आसाम में, नालंदा बिहार में, तो जंतर मंतर राजस्थान में। से जंतर मंतर भारत में कई जगह है, लेकिन जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक तो जंतर मंतर दिल्ली में भी है जहां पे सारे अनशन धरना प्रदर्शन होते हैं, वाराणसी में भी है, ये सब खगोलीय वेधशाला है, मतलब एकदम सूर्य वाली घड़ी और सारी चीजें खगोलीय, उस समय जब खगोलीय अंतरिक्ष की चीजों को ज्ञात किया जाता था, गणना की जाती थी, इन्हीं वेधशालाओं में की जाती थी। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल राजस्थान में स्थित है दोस्तों, क्लियर है, याद रहेगा, राजस्थान का जंतर मंतर। डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे दोस्तों ताकि अगर कहीं से कोई क्वेश्चन आ जाए तो छूट न जाए हमारा। जंतर मंतर राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है, पहला पॉइंट हमें यहां से मिलता है, यह एक खगोलीय वेधशाला है, यह दूसरा पॉइंट मिलता है। 18वीं शताब्दी में मनाया गया, यह तीसरा पॉइंट है। इसका निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा किया गया था, यह चौथा पॉइंट है। तो यहां पे दोस्तों ये चार पॉइंट हमें मिलते हैं, उसके बाद पांचवा पॉइंट ये मिलता है कि यूनेस्को ने इसे कब चुना, तो यूनेस्को ने इसे सन 2010 में चुना है, यूनेस्को ने इसे 2010 में चुना है। शिवानी अवधेश सब लोग कह रहे हैं ये हो चुका है, आप लोगों ने मेरी बात फिर से सुनी नहीं लग रहा है, गौर से सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि ये क्वेश्चंस भले हो चुके होंगे लेकिन ये आंसर नहीं हुआ, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। क्या ये पांच पॉइंट आपको पता थे? अगर पता थे तो बताओ कि हाँ ये पांचों पॉइंट सर कल आपने बताए थे। क्या ये 18वीं शताब्दी बताया गया था, ये बताया था मैंने कल? क्या ये इसे 2010 में जोड़ा गया यूनेस्को में, ये बताया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राजेंद्र कुमार कह रहे सर आरबीआई अटेंडेंट एग्जाम में जीए में 20+ किया हूं आपकी क्लास से। थैंक यू भैया, बहुत बढ़िया, शानदार प्रदर्शन। तो मैंने क्या कहा कि कल जो कंटेंट टीम ने मुझे जानकारी दी थी, जो कंटेंट दिया था वह अधूरा था, मैंने इसे आज अपने हाथ से इसे जो है कंप्लीट किया है, क्योंकि अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिटेल में पढ़ाने को बोला तो डिटेल में होनी चाहिए, तो इसे मैंने अपने हाथ से क्या क्या जानकारी है वो यहां पे मैंने आपको बताया है, ठीक है। आज 22 अप्रैल है, अर्थ डे है, वेरी गुड सोनू राउत, बहुत बढ़िया। तो भारत के जो जो कभी कोई मंदिर पूछ लेता है, कभी किसी के बारे में पूछ लेता है धरोहर के बारे में, तो आदमी सोचता है सर ये कहाँ से पूछा है, तो ये यहीं से पूछता है कि ये यूनेस्को की साइट्स हैं। यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत स्थल कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये दोस्तों उड़ीसा में स्थित है, कोणार्क का सूर्य मंदिर 10 रुपए वाले नोट पे है। क्वेश्चन तो आपको सेम दिख रहा है, पुरी के पवित्र शहर के पास उड़ीसा के पूर्वी राज्य में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर सूर्य भगवान और सूर्य देवता को समर्पित है। लेकिन जो अब मैं यहां पे डिटेल बता रहा हूं ये डिटेल नहीं है, ये डिटेल नहीं है दोस्तों, ये डिटेल क्या है आइए देखते हैं। कल मैंने 6 घोड़े वहां पर कंटेंट टीम ने लिखा था, जबकि 7 रंग होते हैं, प्लाज्मा जो प्रिज्म में से 7 किरण निकलती है ना, सूर्य की रोशनी जब प्रिज्म पे पड़ता है, लेंस पे पड़ता है, 7 किलर बनती है ना, इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, तो ये सोचो दोस्तों 7 घोड़े,
सात घोड़े, ये पूरा रथ के रूप में मंदिर बनाया गया है, 24 पहिए लगे हैं उस पे, सात घोड़े हैं, सूर्य देवता मतलब रथ पे विराजमान है, समझ गए? ब्लैक ब्लैक पगोड़ा इसे मंदिर को कहते हैं, क्लियर है? 13वीं शताब्दी के मध्य में गंगा वंश के शासक द्वारा बनाया गया था, क्या ये बात आप लोगों को पता थी? कल जिन लोगों ने क्लास की है बताइए। इस मंदिर के निर्माण में 100 से अधिक कारीगर शामिल थे, इस निर्माण को पूरा करने में 12 साल लगा, 1243 से 1255। इसे एक रथ के रूप में डिजाइन किया गया, पूरे मंदिर को एक रथ का रूप दिया गया, एक रथ का रूप दिया गया है जो 24 पहियों पर चढ़ा हुआ है ये मंदिर, और सात घोड़ों के समूह के नेतृत्व में है। अब इसे यूनेस्को द्वारा कब चुना गया दोस्तों? 1984 में चुना गया। यूनेस्को द्वारा कब चुना गया है? 1984 में चुना गया है। बात अब समझ पा रहे हैं आप? फर्स्ट सन की रे जो है कि नहीं पड़ती है, आप बस ये समझो क्योंकि वो तुम्हारा पूर्वी राज्य है, इसलिए तुम उसे जो है सनराइज स्टेट कहते हो, इसलिए तुम उसे सनराइज स्टेट कहते हो, वरना तो और उधर म्यांमार में पड़ती होगी उससे पहले, बर्मा में। भारत में सनराइज पहली जो है पड़ती है, जो सनराइज होता है वो अरुणाचल, अरुण का आंचल, सूर्य का जो है उदय वहीं पे हमारे सबसे पहले होता है। अगर इधर के सूर्योदय और उधर के सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर होता है, इधर के सूर्योदय और उधर के सूर्योदय में, इसीलिए हम ग्रीनवी ये जो है नैनी से मानक समय लेते हैं, भारतीय मानक समय इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है, जहां से 2 लाइन जो है डिवाइड करती है। निम्नलिखित में से कौन सा हेरिटेज स्थल बिहार में है दोस्तों? तो बिहार में ताज जंतर मंतर आपका राजस्थान में है, ताजमहल यूपी में है, नालंदा महावीरा, नालंदा यूनिवर्सिटी ये बिहार में है, ये बिहार में है नालंदा यूनिवर्सिटी दोस्तों। अब ये भी कल अधूरी जानकारी थी, इस जानकारी को हमने पूरा किया है। नालंदा महावीर ये बहुत पुराना जो है विश्वविद्यालय है, यह स्थल उत्तर पूर्वी भारत में बिहार राज्य में नालंदा जिले में स्थित है। इसमें एक मठवासी और विद्वान संस्थान के पुरातात्विक अवशेष शामिल है जो 3री शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक के मौजूद है, यानी ये यूनिवर्सिटी ऐसी रही होगी जो 1000 साल तक अपग्रेड होती रही है, लोग सजो के रखे थे, जब तक इस्लामिक आक्रमणकारी नहीं आए तब तक ये एक अध्ययन का पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा केंद्र था बुद्धिस्टों का, पूरी दुनिया भर के बुद्धिस्ट यहाँ आके ज्ञान प्राप्त करते थे दोस्तों, ये सेंटर था। मूल रूप से इसे गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम द्वारा बनवाया गया था, ये क्या कल इंफॉर्मेशन थी आपके पास? विस्तार गुप्त काल के बाद भी जारी रहा, मतलब 1000 साल तक जारी रहा। यह पत्थर और धातु में स्तूपों, तीर्थों, विहारों, कलाकारियों का संग्रह, इसे 2016 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। अब सवाल नालंदा से 2 तरीके के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाई, नालंदा यूनिवर्सिटी किसने जलाई, नालंदा यूनिवर्सिटी सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाई थी, और दोस्तों इसे जो है जलाया किसने था, बख्तियार खिलजी ने, तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था 1193 में। धार्मिक ग्रंथों के जलने के कारण भारत में एक बड़े धर्म के रूप में उभरते हुए बौद्ध धर्म को सैकड़ों साल का एक झटका लगा, और तब से अब तक यह पूर्ण रूप से इन घटनाओं से नहीं उबर सका है दोस्तों, नहीं उबर सका है, याद रखिएगा, क्लियर है, याद रहेगा। विशाल बी शर्मा जी आप यहां कहां से आ गए, आपको तो यूनेस्को में होना चाहिए था, यूनेस्को में होना चाहिए था भाई, पीडीएफ का जो संस्थापक है उसका निधन हो गया है, पीडीएफ को थोड़ा सा जो है, ये पीडीएफ नहीं है पीपीटी है, पीडीएफ ऐसे थोड़ी होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें इतने ग्रंथ थे ना, 3 महीने तक आग ही जलती रही थी, 3 महीने तक इस यूनिवर्सिटी में से धुआं निकलता रहा था, ठीक है, क्लियर है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को की नेचुरल साइट दोस्तों, ये कहाँ स्थित है?
देव राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को की नेचुरल साइट है, हेरिटेज साइट है। ये कहाँ स्थित है मेरे भाई? तो यह स्थित है राजस्थान में, केवला देव भरतपुर में है दोस्तों। एक पक्षी विहार है, एक पक्षी विहार है मेरे भाई। इसे 1985 में, याद रखिएगा, 1985 में 3 नेशनल पार्कों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, मानस, काजीरंगा और केवला देव। ये तीनों को 1985 में किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों यहां पे याद रखिए, भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में इसे जाना जाता है। 3,000 से अधिक प्रजाति है, विदेशी प्रजाति भी है, घोंसला बनाने का मैदान है ये विदेशी प्रजातियों के। ये बत्तखों का एक शूटिंग स्थल भी था, पहले राजपूताना था तो लोग जाते थे शिकार विकार करने, लेकिन बाद में इसे आर्द्र भूमि के रूप में विकसित किया गया। आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड, रामसर साइट, 42 रामसर साइट है भारत में, तो ये आर्द्र भूमि वेटलैंड के रूप में जो है इसे डेवलप किया गया। तब इसके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसे 1985 में, इसे कब, 1985 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। पक्षियों के अलावा इसके पास लगभग 400 फूलों की प्रजातियां हैं, मछली, सांप, छिपकली, कछुए और अकशेरुकी प्रजातियों की भी प्रजातियां हैं यहां पर। इसके बाद दोस्तों अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक यूनेस्को की प्राकृतिक विरासत स्थल है। ये एक यूनेस्को की प्राकृतिक विरासत स्थल है। यह कहाँ स्थित है मेरे भाई? यह आसाम में स्थित है, यह आसाम में स्थित है। काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। यह भारत में एक अछूता प्राकृतिक क्षेत्र है। यह माना जाता है कि यह साइट लॉर्ड कर्जन द्वारा, किस वायसराय के द्वारा? लॉर्ड कर्जन द्वारा शुरू की गई परियोजना थी। जब उनकी पत्नी गई इधर एक सींग वाले गैंडे को देखने, तो पता चला शिकारी जो है शिकार इतना करते हैं कि यहाँ गैंडा तो विलुप्त तो हो रहा है। तो दोस्तों फिर इसे संरक्षित किया गया और अपने पति से गैंडों की सुरक्षा के लिए कुछ सख्त उपाय करने को जब उन्होंने कहा, तो इसका परिणाम अंततः काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य के रूप में पड़ा। ये ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदानों के में फैला हुआ है, दलदली दलदली है ये पूरी भूमि। इसमें घने जंगल है, घास के मैदान है, धाराएं हैं, झीलें हैं। इस स्थल पर कई लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, जैसे गैंडा है, बाघ है, तेंदुआ है, सुस्त भालू है, छाया हुआ लंगूर है, हुलाक गिब्बन है, हॉग हिरन है, पानी भैंस है, गंगा डॉल्फिन है, जंगली भालू है, गौर सांभर है और दलदल हिरण भी है दोस्तों। बहुत सारी चीजें हैं। इसे 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, 1985 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया दोस्तों। हुमायूं का मकबरा भारत का पहला डबल टॉम्ब मकबरा है, डबल टॉम्ब एक इमारत है। हुमायूं का मकबरा दोस्तों कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। 1572 में दोस्तों, माफ कीजिएगा, यहाँ 1572 में निर्मित यह मकबरा विशेष सांस्कृतिक महत्व का है। यह भारतीय महाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था। भाई ताजमहल जाते हो तो वहां उद्यान भी है और मकबरा भी है, लेकिन हुमायूं का मकबरा ये पहला उद्यान मकबरा था। इसी के बाद फिर ताजमहल का कॉन्सेप्ट आया होगा कि जब भी मकबरा बनेंगे उसमें पूरा गार्डन और इस तरीके की चीजें बनेगी। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, ये भी तो प्रश्न पूछता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली के निजामुद्दीन पूर्व में स्थित है। इसे बेगम बेगा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? बेगम बेगा ने बनवाया था। ये हुमायूं की पहली पत्नी थी। कौन थी मेरे भाई? हुमायूं की पहली पत्नी थी। इसका निर्माण 1565 में, जब हुमायूं मरे, जब अकबर राजा बना, 1565 में शुरू हुआ और 1572 में जाके पूरा हुआ। भारत ने इसे जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब चुना है? 1993 में। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कल रह गए थे दोस्तों। इसे मैंने कहा कि वो मुझे मजा नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा यार ये पूरी जानकारी बच्चों को होनी चाहिए कि ये भारत का पहला जो है डबल टॉम्ब वाला मकबरा है, ये भारत का पहला उद्यान मकबरा है, बेगम बेगा ने बनवाया था, उनकी वाइफ ने बनवाया था, 1993 में ये ऐड हुआ। ये सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बाद में जो भी इसी के तर्ज पे बाकी सारी इमारतें मुगल कालीन जो बनी है, जो वर्ल्ड फेमस है, वो इसी के तर्ज पे आगे चलती गई हैं, बनती गई हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग इसकी देखभाल करता है।
दोस्तों निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है? दोस्तों मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा सा आज आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, है ना? हाँ, हुमायूं की डेड बॉडी अब कहाँ बची होगी अखिल? निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है? पत्थर की संरचना सबसे पुरानी सांची का स्तूप है दोस्तों। सांची का स्तूप, ये वह स्तूप है दोस्तों जो कि जहां महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष है, 200 रुपए वाले नोट पर है ये सांची का स्तूप। महात्मा और बुद्धिस्टों का धार्मिक स्थल, इसकी परिक्रमा करते हैं बुद्धिस्ट पूरी दुनिया से आके, पूरी दुनिया के बुद्धिस्ट आते हैं और यहाँ पे परिक्रमा करते हैं मेरे दोस्त। सांची स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर से 46 किलोमीटर की दूरी पर रायसेन जिले के सांची में स्थित है। सांची का यह स्तूप भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है। यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक द्वारा, किसके द्वारा बनवाया गया था? अगर पूछ लिया सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया, ठीक है, तो सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब जोड़ा गया है? 1989 में, 1989 में इसे जोड़ा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों तीन मंदिर हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, अभी आरबीआई अटेंडेंट में पूछा गया था। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, गंगईकोंडा चोलपुरम कहाँ है और ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ है? अब ये मंदिर दोस्तों तमिलनाडु में है, चोल वंश का शासन जहां पे था, चोल वंश का शासन जहां पे था। अभी आरबीआई अटेंडेंट में पूछा तो लोग घबरा गए, सर ये बृहदेश्वर मंदिर कहां से पूछ लिया? तो दोस्तों ये कहां से पूछ लिया, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसलिए पूछ लिया। तो दोस्तों ये तीनों मंदिरों को क्या कहा जाता है, एक साथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है चोल मंदिरों के नाम से। चोल वंश का मंदिर इन्हें कहा जाता है। ग्रेनाइट का सर्वप्रथम इस्तेमाल इसी मंदिर में हुआ। ग्रेनाइट का सबसे पहला इस्तेमाल अगर देखा जाता है तो तमिलनाडु के इसी मंदिर में देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? तमिलनाडु के इसी मंदिर में देखा जाता है, इन्हीं मंदिरों में ग्रेनाइट का पहला इस्तेमाल देखा जाता है। क्लियर है? चोल मंदिर, चोल मंदिर भारत के दक्षिणी भाग में चोल साम्राज्य के राजाओं द्वारा चोल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। इस साइट में 11वीं और 12वीं शताब्दी के तीन महान मंदिर हैं। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है, एक है गंगा कोंडी चालीसवरम मंदिर, बृहदेश्वर यहां दो बार हो गया, और दारासुरम में है ऐरावतेश्वर मंदिर। यानी तीनों तमिलनाडु में है। आपसे इतना डिटेल में नहीं जाएगा कि अंदर पूछेगा, ये आरबीआई अटेंडेंट में पूछा गया है। और कहीं ना कहीं आरबीआई अटेंडेंट आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का सिलेबस बताता है, इसलिए इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ग्रेट लिविंग चोल मंदिरों को 1987 में, 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अंकित किया गया, विश्व विरासत स्थल के रूप में अंकित किया गया। ये देख सकते हैं ये तीनों, ये किस तरीके से रथ वथ यहां बनाया गया है, इतने प्राचीन समय की ये बनी हुई है दोस्तों, देख रहे हैं, ये उस प्राचीन समय का नहीं है, ये टूरिस्ट है ना? दोस्तों किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ले कार्बुशियर का वास्तुशिल्प कार्य स्थित है? आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ले कार्बुशियर। अब ले कार्बुशियर कौन है? एक स्विट्जरलैंड के बहुत महान आर्किटेक्ट, फ्रांस में रहने लगे तो फ्रांसीसी आर्किटेक्ट उन्हें कहते हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में 17 जगह ऐसे ऐसे शहर बनाए, ऐसी ऐसी आर्किटेक्चर बनाई जो कि आज आधुनिक आर्किटेक्चर का एक रूप माना जाता है। आज एंटीलिया मुकेश अंबानी ने बनाया तो वो ले कार्बुसियर के आर्किटेक्चर पैटर्न पे ही बनाए। कल मैंने आपको रोमन कैथोलिक शैली वाला दिखलाया था मुंबई के सारे बिल्डिंग, आज देखिए ले कार्बुसियर की जो वास्तुकला वाली बिल्डिंग है, ये देख सकते हैं आप किस तरीके से उबड़ खाबड़ ऐसे आर्किटेक्चर बनाए, लेकिन अंदर से तो सब प्लेन रहा होगा, अंदर से तो सब बराबर होगा, वरना लोग रहेंगे कैसे? तो ये जो वास्तुकला है इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट चुना। ये चंडीगढ़ में है दोस्तों, ये हमारे यहां कहां है? वैसे तो पूरी दुनिया में 17 जगह है, लेकिन भारत में ले कार्बुसियर ने कहां पे बिल्डिंग्स बनाई थी? चंडीगढ़ में बनाई थी।
ले कार्बुशियर एक स्विस फ्रांसीसी वास्तुकार है, डिजाइनर है, चित्रकार है, शहरी योजनाकार है और लेखक थे। अब आधुनिक वास्तुकला कहे जाने वाले अग्रदूतों में से एक थे। ले कार्बुशियर ने भारत के चंडीगढ़ शहर के लिए मास्टर प्लान तैयार किया था। चंडीगढ़ का मास्टर प्लान किसने तैयार किया था? इन्होंने ही किया था। भारत के पहली एम्प्यूटी क्लिनिक चंडीगढ़ है। ये भगवान, तुम लोग अपना अपना चालू हुआ है नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट डॉग पार्क, नॉर्थ का फर्स्ट डॉग पार्क, क्या बात है। अच्छा, बैटरी स्वैपिंग जो है कि वो भी बनाया गया, चार्जिंग स्टेशन भी चंडीगढ़ में। दोस्तों कब इसको जो है चुना गया? 17 जुलाई 2016 को। 2016 में यूनेस्को ने इसे अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चुना। 17 परियोजनाओं को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में चुना गया। ले कार्बुशियर को आधुनिक आर्किटेक्चर का जनक माना जाता है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, दिया बना दिया, दीपक बना दिया, ऐसे ही बिल्डिंग बना दी, ऐसी बिल्डिंग बना दी, बाहर से ऐसे लग रहा है कि गिरा पड़ा सा है, अंदर से एकदम आलिशान है। तो ये दोस्तों ले कार्बुशियर की वास्तुकला चंडीगढ़ में है। इसके बाद यहां पे आ जाता है साल 2017 में किस शहर ने यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त किया था। 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी चुना गया, सिटीज चुना गया। 2020 में ग्वालियर और ओरछा को चुना गया। इसमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, फटाफट बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन, ये जो अहमदाबाद में झील है, यही झील SBI का लोगो है। SBI का लोगो कैसा है? ऐसा ही तो है, इसी झील पे बना है ये लोगो, SBI का लोगो। तो ये झील का नाम क्या है, इस झील का नाम क्या है, ये भी बताइएगा। तो इसमें जो है ये गलत है, ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं चुना है, नहीं तो 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो जाते। मध्य प्रदेश ने चुना था, यूनेस्को को सिफारिश की है, अभी यूनेस्को ने अभी नहीं ऐड किया है। लेकिन पूरे भाजपा वाले जानते हो, पहले ही से प्रचारित कर देते हैं, ये चुन लिया गया, चुन लिया गया, चुन लिया गया, और न्यूज़पेपर वाले भी छाप दिए। बाद में यूनेस्को ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लियर किया, और आज भी यूनेस्को के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाओगे तो यही जो है कि दिखाई देगा वहाँ पे कि 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कंकरिया लेक बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे। दभी, कृति, रोहित, शिवानी, गणेश, बिल्कुल सही जवाब है, कंकरिया लेक इज द राइट आंसर। तो अहमदाबाद वो प्राचीन शहर है जहाँ पे एक नहीं कई इमारतें हैं ऐसी ऐतिहासिक, इसलिए इस पूरे शहर को ही चुन लिया गया। इसी तरीके से जयपुर भी पूरा शहर ही एक ऐतिहासिक इमारतों से भरा हुआ है, जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट कहा, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है, जहां ऑर्गन डोनर स्मारक बना, जहां ऑटोमेटिक बैंक प्रोसेसिंग सेंटर बनाया गया है, जहां आमेर का किला है दोस्तों, तो बहुत कुछ है। तो अहमदाबाद को 2017 में चुना गया, 2019 में जयपुर। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो 37वां कौन सा है, तो 37वां आपका अहमदाबाद है, और 38वां कौन सा है, 38वां आपका जयपुर है। जैसे 42वां रामसर साइट आप लोग याद करते हो ना कि 42वां रामसर साइट ये है, तो ऐसे 38वां याद रखो, 42वां रामसर साइट सोकर झील है, तो 38वां जयपुर है। ये दोनों 39वां 40वां हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, पूनम जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, सेफ रहिए, जान बचाइए,
अभी यही मंगल कामना है कि सब लोग जीवित रहें और आगे बढ़ें। बस सर्वाइवल की लड़ाई है इस बार। सर्वाइव कर गए तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे, लेकिन अभी तो बस सर्वाइवल की लड़ाई है दोस्तों। और आपकी सारी मुराद ऊपर वाला पूरी करे, जो भी चाहते हैं सफलता अर्जित करें, एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं नौकरी आपको मिल जाए जो आप चाहते हैं दिल से। नीलगिरी माउंटेन रेलवे दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में स्थित है। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? जैसे कि राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग में 6 फोर्ट हैं, वैसे इंडियन माउंटेन रेलवे एक कहा जाता है, लेकिन इंडियन माउंटेन रेलवे में 3 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो दार्जिलिंग वाला है, एक दार्जिलिंग वाला है दोस्तों बंगाल वाला, एक दोस्तों तुम्हारा कालिका शिमला वाला है यानी हिमाचल प्रदेश वाला, और एक तुम्हारा नीलगिरी वाला है। एक तुम्हारा ये नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ये पतली पतली पटरियों पे चलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो ब्रॉड गेज वाला है हम लोग का, मोटी पतली वाला है, ये वाला अगर वहां चलेगा तो इतना मोड़ ही नहीं ले पाएगा। पहाड़ी इलाके हैं यार, 48 डिग्री तक मुड़ना पड़ जाता है कभी कभी। तो यार वहां पे ये देख लो कैसे मोड़ है, यहाँ पे ये देखो ये मोड़ कहाँ ले पाएगा बड़ा वाला ट्रेन, और वो भी सिंगल ट्रैक है भाई। अब कितने पुल ऐसे बनाए जाते हैं, अब ये वाला पुल तो और ही खतरनाक है। ये वाला तो मैं लग रहा है कि वो वाला जो एक गोलमाल वाली शूटिंग यहाँ पे हुई थी, कौन सी एक मूवी थी जिसमें सब खजाना लेने जाते थे? तो तमिलनाडु में है दोस्तों ये नीलगिरी माउंटेन रेलवे। कहाँ है? तमिलनाडु में। दार्जिलिंग वाला कहाँ है? बंगाल में है। तो ये दोस्तों 1999 में चुना गया दार्जिलिंग वाला, नीलगिरी वाला 2005 में चुना गया, और कालिका शिमला वाला 2008 में चुना गया। ये 3 माउंटेन रेलवे है इसमें, ये सब नैरो गेज वाले, एकदम पतले पटरी पे। देखो ये टॉय ट्रेन कैसे चल रही है, एकदम यहाँ बर्फ अगर पड़ जाए तो एकदम और नज़ारा टूरिस्टों के लिए बेहतरीन हो जाएगा। अब दोस्तों जब इस पे कोई सफर करने जाता होगा तो सोचो 1903 से ये आज तक चल रही है, इसको सजो के रखा गया है दोस्तों, जर्जर अवस्था में हो गई है लेकिन सजो के रखा गया, धीरे धीरे चलती। बर्फी मूवी में देखे थे रणबीर कपूर ऐसे चढ़ जाता था पैदल ही, साइकिल से जो बात कर लेता था साइकिल चलाते हुए। कालिका शिमला रेल मार्ग में 103 सुरंगों में से गुजरती होगी। 103 सुरंगें बनाई गई थी अंग्रेजों के जमाने में। पहले ये सोचिए, अंग्रेज जो बना के गए, अब आप बना रहे हो क्या? बना लोगे? 869 पुल बनाए गए, 869 पुल बने हैं खाली ये ट्रेन चलाने के लिए। 919 घुमाव आते हैं, मोड़ आते हैं ऐसे वाले खतरनाक वाले। सोचो दोस्तों, एक अंग्रेजों का भी एक अलग जज्बा रहा घूमने का। सबसे तीखे मोड़ पर ट्रेन 48 डिग्री के कोण पर घूमती है, इसलिए ये भाई ऐतिहासिक एक जो है देखने वाली चीज है जिसे यूनेस्को ने चुना है। जो ऐतिहासिक चीज है जिसे संजो के रखना चाहिए, हमारी इतिहास की धरोहर है, पहले ये चीज थी, इस बात का प्रमाण है कि इसे आज भी हम देखना चाहते हैं। एक बहुत अनोखी चीज थी और है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल? अब दोस्तों दोस्तों यहां पे इतना जो है आज तक रखते हैं, यहां तक का आज तक रखते हैं दोस्तों, क्योंकि कहा जाए तो मेरी तबीयत नहीं सही है, लेकिन बस आज क्लास नहीं लेते, हो सकता है इसको रिशेड्यूल करा देते कल के लिए, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, क्लास लेते हैं, चलते हैं, अपने बच्चों से बात करेंगे, उनको थोड़ा सा अपडेट कर देंगे कल की जानकारी। तो क्लास नहीं लेने वाला था मैं, लेकिन अब आप लोग का प्यार ऐसा है कि क्लास मैंने ले लिया, कि भाई आप लोग इंतज़ार करते हो आगे फिर नहीं मिलूँगा मैं, तो एक आप लोगों को भी कष्ट होता है और मुझे भी कष्ट होता है, तो इसलिए बस मैं आ गया हूँ, आप लोगों को रिवाइज कराया है बस, लेकिन सारे जो है कि मैं कल आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा, सारे मैं आप लोगों को कल कंप्लीट करा दूंगा, इस बात की जो है पूरी कोशिश है। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं रखते हैं, लेकिन इसके आगे का कल हम लोग निश्चित कंप्लीट करके और पूरी डिटेल जानकारी के साथ, आज आपको
बहुत सारी जानकारी मिली होगी, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली होगी, बहुत सारी चीज़ जानने को मिली होगी। आशा है कि मेरी क्लास से रोज़ कुछ ना कुछ आप सीख के जाते हो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है कि जब तक कुछ सीखो नहीं तब तक उस दिन सो नहीं। सीखना बंद तो जीतना बंद, लर्निंग बंद तो अर्निंग बंद। तो दोस्तों, हम लोग को रोज़ कुछ ना कुछ सीखना है, और पीयूष सर हमेशा कोशिश करते हैं, चाहे सुबह की 5:30 बजे वाली क्लास हो या रात वाली क्लास हो, कुछ नया सीख के जाओ आप। तो आशा है कि आज आपने बहुत सारी नई बातें सीखी होंगी, बहुत सारी नई चीज़ें जानी होंगी। जैसे बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी जलाया था, इतना कट्टर था वो, उसकी तबीयत खराब हो गई। अब उसने आचार्य को पकड़ा नालंदा यूनिवर्सिटी के और कहा कि तुम हमें जो है सही करो, क्योंकि वो सही हो नहीं रहे थे। अब उसने कहा कि कोई भी हिंदुस्तानी पद्धति यूज नहीं करनी है, क्योंकि उसे इससे चिढ़ थी। तो भाई उन्होंने दिमाग लगाया, अब भाई हिंदुस्तानी पद्धति नहीं यूज़ करने दे रहा। तो फिर उनको समझ में आया कि जब तक ये मनोवैज्ञानिक रूप से ये अपनी चीज से जुड़ के नहीं उसको जो है इलाज करेगा, तब तक जो है ये सही नहीं होगा। क्योंकि दिमाग से होता है रोग, कई बार ऐसा रोग भी होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं सही हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि कुरान में लगा दी क्या औषधि, कुरान में लगा दी औषधि। और बख्तियार खिलजी को आचार्य ने कहा कि जो वैद्य थे उन्होंने कहा कि आप इस पेज से इस पेज तक कुरान पढ़ लीजिए, आप सही हो जाएंगे। अब दोस्तों वो अपना लगाता रहा उंगली और अपना बदलता रहा, कहा जाता है कि वो सही हो गया, क्योंकि औषधि उसके मुंह पे लगती रही। अब वो सही हो गया तो अब उसको जो है अपनी पद्धति पे और विश्वास हो गया, और उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया, नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया। तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें हुई हैं हमारे इतिहास में। खैर बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, किस पर यकीन किया जाए। लोग लोग कहते हैं 3 महीने तक जलता रहा, 6 महीने तक जलता रहा, साल भर तक जलता रहा। अरे भाई कोई चीज़ जलेगी तो ख़त्म हो जाएगी, अग्नि का काम है 24 घंटे में स्वाहा कर देगा सबको कि महीनों तक जलाएगा। तो चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच, कल मुलाकात करेंगे इसी समय इसके आगे की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लेके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर कर विजय एग्जाम।